आशा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहिक तलबा व तालिबात के लिए मौलाली में एक सेंटर का आगाज अमल में लाया गया है, जिसके लिए यहाँ एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर सियासत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट व CPI कायद अजीज पाशा भी मौजूद थे। इस सेंटर में कंप्यूटर क्लासेस, ख्वातीन के लिए टेलरिंग और दीगर पेशे वाराना कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर यहाँ के कुछ झलकियाँ और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के कुछ ख्याल आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। से स्टार्ट कर रहे थे, नेहरू की भी एक छोटी दुकान थी, होलसेल स्कूल भी कर रही वहाँ पे सिर्फ खुद सीते थे, और आज तरक्की करे इतना बड़ा शोरूम है, करोड़पतियाँ हैं। आपको एक छोटा और एक एग्जांपल दे दो, जितने इम्पोर्टेड बाहर के जितने एड्स देख रहे हैं आप, वो कपड़े से ले जाते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये जितने लिवॉइज है, जितने अब 5,000 रुपये 10,000 रुपये का भी जो कपड़ा है ना, वो बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। और शर्मास का एक शोरूम है बेटल के पास, फैक्ट्री है, उसमें भी इतने अच्छे, आप गएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इतना अच्छा सबों मशीन है। खाली एक काजा सिल रहा है तो 100 मशीनों पर एक साथ सिलते रहता। ये यहाँ का ये लेफ्ट हैंड बोले तो पूरा लेफ्ट हैंड एक रोइच है, पूरे लेफ्ट हैंड के पूरे सिलने वाले। तो इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आप लोग बहुत खुशी की बात है। इंशाल्लाह मैं भी बात करूँगा लोगों से, जैसा कि यहाँ पे कुछ मशीनों की जरूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह करने वालों में हमारी कोई हिस्सा अल्लाह करेगा। दूसरी बात और एक बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो ट्यूबलाइट है इतने में करीब 200 रुपये में ना। आजकल एक टेक्नोलॉजी आई है LED और सोलार पावर, अगर आप लोगों की वो टेक्नोलॉजी को यहाँ ट्रेनिंग हुई है तो आप बात हो सकते यहाँ एरिया में देख मालूम है मेरे को OLTD में 100 रुपये में 3 बल्ब बेच रहे, उसका प्रोडक्शन का 20 रुपये नहीं, 100 रुपये में 3 बल्ब बेच रहे। तो क्या है 80-20 रुपये पे आपको प्रॉफिट कितनी हो रही, 80 रुपये, ठीक है, चलिए आपको भी 80 नहीं हो रही, आपको अगर 20 रुपये पे 40 रुपये भी मिल गए तो वो कोई एक ठेले में बेचने वाले को भी प्रॉफिट होती है। जब तक दोनों एक बैलगाड़ी है सकती है, उसमें मियाँ भी है बीवी भी है, पहले ज़माने में नहीं चलता था वो, आज दोनों की आमदनी से भी घर चलना मुश्किल हो गया है। तो मेरे पास सेकंड वाले हैं, उनसे बात करता हूँ, अगर आप लोग कुछ 25-30 हज़ार लगाए तो यहाँ पर ला के पंखे बनाने का मैंने 40 दिन का कोर्स करना, हर कोई सीख सकता है, वहाँ तेलुगू में भी ट्रेनर्स है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है ट्रेनर्स, इतनी जगह बहुत ज़्यादा जगह है। जो अपना इक्विपमेंट लाते अभी हम लोग फिर शुरू करने वाले हैं दुधौली में, वो शुरू हवा में इंशाल्लाह आप लोगों का टच में है। तो बेहतर पंखा है ना, पंखा भी चलने वाला है। मेरा नाम भानु रेखा है, मैं मौलाली में ट्रेनिंग किया है मैंने, तो जो भी स्टूडेंट है अच्छा इंटरेस्टिंग सिखाए उनका ही जो भी रिजल्ट है आप लोगों के सामने है। तो सब लोगों को जैसा अना सर है, गौ सर है, सब लोगों को थैंक यू बोला।